एनसीआर में गुरुवार सुबह से बारिश हो रही है। आँख खुलने के साथ ही रुक रुक कर हो रही बारिश ने पश्चिमी यूपी के कई शहरों को राहत दी है। जहां एक तरफ बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं बारिश के कुछ ही घंटों के बाद सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पोल खुल गई। सुबह से हो रही बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर भारी तादाद में ट्रैफिक जाम लग गया, जिसके कारण ऑफिस जाने वाले कर्मचारियों को कई घंटों तक जाम में फंसना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली वालों को अगले दो दिन तक इस बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है और आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर की जनता को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। हर बार की तरह इस साल भी मानसून आते ही दिल्ली निवासियों को इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जो कि सरकार की नाकामियों का संकेत है। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।